औद्योगिक नगरी पीथमपुर में औद्योगिक और दिहाड़ी मजदूरों के लिए चलाई जा रही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाने और योजनाओं की जानकारी देने हेतु आज श्रम विभाग ने अनूठी पहल की है। वहीं सरकार की मंशा अनुरूप श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके, सरकार के द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को पेंशन योजना भी बनी हुई है, जिसमें समाधान केंद्र से मजदूर का पंजीयन किया जाता है और 55 रुपयों से 200 रुपये प्रति व्यक्ति जमा करने से 1500 से 3000 रुपये तक पेंशन भी मिल सकती है। इसी योजना की जानकारी देने हेतु पीथमपुर श्रम कार्यालय पर पदस्थ अधिकारी दिहाड़ी मजदूरों के पास जाकर पंजीयन व योजनाओं का लाभ देने हेतु प्रेरित करते नजर आए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। श्रम सेवा पोर्टल पर समस्त धाड़की मजदूरों का जो धाड़की करने के लिए आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए। ये बीमारी को दूर करने के लिए शासन ने श्रम सेवा पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित किया है। इनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इनके आधार कार्ड का नंबर चाहिए, इनका पता चाहिए और इनकी समग्र आईडी चाहिए। ये सारी जानकारी हमारे पास आ जाएगी, हम लोग आवेदन पत्र भरेंगे और उनका श्रम सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद हम लोगों के पास में फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री के अंदर ठेकेदार चल रहे हैं वो, और भी दुकानदार हैं, बड़े बड़े मालिक लोग हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि उनको मजदूर की आवश्यकता पड़ती है तो वो पोर्टल से इन मजदूरों का जिनका हम पंजीयन कर रहे हैं ये इनको डायरेक्ट उठा लेंगे। और जो मजदूर है उसको यदि काम की आवश्यकता है तो वो समग्र पोर्टल पर जाकर के, अपने लेबर पोर्टल पर जाकर के जिस भी फैक्ट्री वाले से कॉन्टेक्ट करेगा, अपना बताएगा कि भाई मुझे काम की जरूरत है, वो फैक्ट्री वाला यदि कहता है कि हाँ भाई आप आ जाओ तो डायरेक्ट आ सकता है। मतलब उसको यहाँ आकर के डेरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घर बैठे ही दुबई में अपने काम की खोज अपने घर पर बैठे बैठे चाय पी कर सकता है। और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन योजना के तहत लोगों का, मतलब है सभी मजदूरों का पेंशन के तहत, मतलब है वो कार्रवाई होना है। उसमें 18 साल से 60 साल की उम्र तक 55 रुपये से 200 रुपये तक फीस जमा करना है। उसके बाद 60 साल जब कम्प्लीट हो जाएंगे तो उनको प्रतिमाह 3000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। आपका नाम बता दीजिए और पता। मेरा नाम कन्हैयालाल मोरे, लेबर मिनिस्टर लिखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।